YouTube guys, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू PUBG मोबाइल का सोलो स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो जो है लेकर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर देख लो भैया, उतरते ही मेरे साथ एक ऐसा ग्लिच हो रखा है कि सामने वाला बंदा बोल देगा भैया लाइन हैक लगा रखा है तुमने। तो भी हम जा रहे सीधा पोचिंग की, और यहाँ पर भी इतनी सारी स्क्वाड आ गई थी। अभी आप घरों में क्रेट देखना, मतलब कि एक ही घर में 15 से 20 क्रेट बना दूंगा, मतलब बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले होने वाला है। तो पूरा एंड तक देखना, एंड पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर मैंने जायरोस्कोप ऑन करके खेल रहा हूँ, तो उतारने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और जिस वजह से लेट लैंडिंग हुई। तो यहाँ पर इस वाले मैच में उतरती एक भी गन नहीं मिलेगी, और पिस्टल से मार मार के गने लूंगा बंदों से। तो पूरा देखो गेम प्ले को। अब भाई हर घर में बंदे से, तो मतलब किसी भी घर में जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो मैंने यहाँ पर सोचा है नहीं यार, अपना किसी अलग ही घर में चलते हैं, भले ही गन मिले चाहे ना मिले। तो मैंने कोई ऐसा यूनिक सा घर ढूंढा जिसमें कोई आता नहीं है जल्दी। तो मैं इस घर में आया और यहाँ पर भी मेरे को कुछ नहीं मिला, मतलब कि यार पिस्टल तक नहीं है कंपाउंड से, मतलब क्या ही लूट है यहाँ पर पोचिंग में। बट फाइनली मेरे को एक और तगड़ी पिस्टल मिलेगी, और उस पिस्टल से ही सबको मारूंगा मैं। अब भाई पिस्टल से दो बंदे तो मैंने नॉकडाउन कर दिए जो कि पहले ही लो एचपी थे, बट यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि पिस्टल की मैं एमओ ही उठाना भूल गया जल्दबाजी में। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही वेट करता रहा, और तभी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। भाई साहब मन तो कर रहा था अपने ही नेड मार के मर जाओ भाई, मतलब कि ये जो ग्लिच है ना, इसने दिमाग खराब कर दिया भाई। मैं पिस्टल ही नहीं चला पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। अब जैसे इसको मारा तभी मेरे पे एक दूसरी स्क्वाड आ गई, और उनको गन्स भी नहीं मिल पाई ढंग से। तो भाई फाइनली मैंने इस बंदे को फिनिश करा, और इस पे से मेरे को मिल गई AKM, वो भी ठीक ठाक एमओ के साथ। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने फिनिश करा, तो मुझे पता था इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे पे रश करेगी, तो इससे बढ़िया मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ। तो भाई तो कतई ड्रॉप शॉट मारने के लिए पूरा रेडी था, कि मतलब जैसी बंदा आएगा वैसे ही लेट जाऊंगा। तो भाई को पता नहीं था मैं टीपी भी ले रहा हूँ। जैसे ही लेटा मैंने से मारा नहीं, सबसे सही ट्रिक मैं कवर में चला गया। इसने क्या करा, रीलोड पे लगा दी मैंने, बाहर निकल के भर दी इसके। तो भाई यहाँ पर मतलब कि अब आप देखो घर में क्रेट देखो, बस एक गिनते जाओ कितनी क्रेट है, देख रहे हो। मतलब अभी इतनी ही नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी है, भूलो मत, ऊपर वाले फ्लोर पे भी क्रेट्स हैं। और ये अंदर देखो कितनी क्रेट है यहाँ पर, 1 2 3, मतलब कि आपको 10 क्रेट तो यूं ही नजर आ रही होगी। और अंदर देख लो ये रही 3 क्रेट, और एक पीछे पड़ी 4 क्रेट, तो छोटे से रूम के अंदर ही है। और बाहर में भी देखो कितनी क्रेट्स पड़ी हो, मतलब कि भाई साहब इस टाइप की पोचिंग की में फाइट आपने शायद पहली बार ही दी, क्योंकि मतलब एक ही घर में सबको निपटाया है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सबको निपटाया, बट यहाँ पर मेरे किल भी थोड़े बहुत चोरी हुए हैं शायद। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मजा आ गया हम सर्वाइव करके, वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ से लूट लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह रश करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे लगते थे, 50 बंदे लगते थे, तो चांसेस थे कि ज़्यादा किल निकल जाए अगर मैं डायरेक्ट ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ बंदे ड्रॉप करते हैं।
तो जायरो मेरे को इतना परेशान कर रहा था कि पूछो मत, बट कोई नहीं, थोड़े दिन से हमारा हाथ बैठ जाएगा। तो भाई पोचिंकी खाली करने के बाद मैंने अपनी बग्गी ली, और बग्गी लेकर हम पहुंच गए जहाँ पे फ्लेयर चला था। अब यहाँ पर मैं बहुत देर से देख रहा था, कभी राइट से कभी लेफ्ट से, क्योंकि कोई इस फ्लेयर को लूटने तो आए जिसने चलाया, बट नहीं, इसको कोई लूटने ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ही लूट लेते हैं। तो यहाँ पर से इस फ्लेयर पर से मेरे को मिल गई M249 AWM, तुमको पता ही अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से मैंने इन दोनों गन्स को उठाया। अब मैंने कहा भैया कोई लेट वेट के ना मार दे, कहीं क्या पता उससे याद आ जाए और वो लूटने आए और उसे हम लूटते हुए दिख जाए, वो लेट के हमें मार दे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ से फटाफट से निकल लेते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे ही निकलने लगा और सामने मेरे को बंदा नजर ही आ जाएगा। तो भाई ये तो भी मेरे साथ कदम से मजाक हो जाता, मतलब कि मेरे पीछे गाड़ी खड़ा हुआ था और पीछे एक पेड़ भी था, जिस वजह से मैं मूव एंड फायर ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। और वो बंदे के लिए तो मैं मारना मुझे बहुत आसान था, बट वो पता नहीं क्या गलती कर बैठा। अब उसके बाद मैं रोजॉक की हिल की तरफ आया, तो यहाँ पर एक फ्लेयर चला हुआ था जिसको लूटने एक बंदा भी आ रहा था। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निपटाते और इनका पूरा स्क्वाड भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई इस बंदे ने तो मेरे को देख लिया था और ये डर के मारे यहाँ से फटाफट से निकल गया, क्योंकि उसे पता लग गया था मेरी मौत आने वाली है। बट तभी मेरे को लगा नहीं यार, इसके पीछे भागूंगा तो मैं गलती कर बैठूंगा, क्योंकि मुझे इसके चांसेस अब हो जाता कि इसके बंदे अभी भी ऊपर हिल पे ही बैठे हैं, वो भी शायद ड्रॉप लूटने आए होंगे। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और निपटाएंगे अगर बंदे होंगे तो। तो भाई थोड़ा आगे जाते मुझे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर बंदे, क्योंकि फुट्स भी आ गए थे और बंदे ने फायर भी कर दिया था। तो भैया इन तीनों को तो हमने कुत्ता बना के निपटा दिया, और इतना पता चल गया था कि जो बग्गी लेकर जो बंदा भागा था ना, ये लोग उसकी स्क्वाड के नहीं थे, क्योंकि ये तीनों मतलब कि डायरेक्ट किल हो गए। अब अगर ये नोक होता लास्ट वाला भी तो उसकी स्क्वाड के ही होते, क्योंकि फिर वो रैप करने भी आता। तो यहाँ पर बग्गी वाला दोबारा से आया, बट ये कहीं और ही जा रहा था, तो इसकी दिशा ही अलग थी। मैंने कहा भाई ये जहाँ कर रहा है पहले ये तो बता दे। तो देखा ये बग्गी वाला सीधा भगा के ले जा रहा है। मैंने इस पर काफ़ी फायर करा और सामने वाले हिल पर जाकर रुक गया। अब यहाँ पर से आपको गेम प्ले देखने ना बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना पूरा गेम प्ले। तो भाई ये सामने वाली स्क्वाड मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही थी, तो यहाँ पर जब इनके दो बंदों के चार्टे पड़े ना और AWM के, तो फिर तो शांत हो गए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी लाकर पहले आगे खड़ी कर लेते हैं, ताकि अगर सिचुएशन खराब हो, मतलब कि ऐसा हो जाए कि अगल बगल से और बंदे आ जाएं, तो यहाँ से हम गाड़ी लेकर फटाफट पीछे निकल ले। तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा इन पर गाड़ी लेकर पहले हिल पर खड़ी करूँगा और सीधा फिर इन पर पुश कर देंगे मार मार के। तो भाई मैंने दोबारा से उन्हीं दोनों बंदों को नॉकडाउन कर दिया था, और उनका अब तो मतलब हेलमेट जो खोपड़ा था वो पूरा फूट चुका है, और एक जो सामने वाला बंदा ना ये बहुत क्लोज आ चुका है। तो मेरे को इसको निपटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे मेरा ध्यान उधर जा रहा था ना, निकल के मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। तो चलो भैया पहले इसको निपटाते हैं, क्योंकि अब मैंने इसके एक बॉडी शॉट भी मार दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अंधा पुश मारेंगे फिर तो इस पर।
अब एक बंदा राइट से नीचे से आ रहा था, ऊपर लेफ्ट में भी स्मोक हो रखा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं पहले एक को निपटाते ताकि एक साइड क्लियर हो। तो बेचारों को नेट से डैमेज मिला और मोली से जल के मर गए। तो यहाँ पर बहुत इजीली इनका स्क्वाड, वैसे इजीली नहीं, काफ़ी सही प्लेयर थे ये भी, बट इन्होंने रश करने में गलती करी, पैदल आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और सबसे ज़्यादा गलती थी उस बंदे की जो अकेले इतना ज़्यादा आगे आया था। तो यहाँ पर मैं फिर गाड़ी लेकर वापस जा रहा था, तभी मेरे पीछे से किसी ने मतलब अभी बैरल पड़ेगी और वहीं मेरा दिमाग ख़राब होगा और वहीं उस बंदे को फोड़ेंगे। भाई साहब अच्छी खासी गाड़ी जा रही थी, इतना गदर बैरल का स्प्रे मारा कि पूरी गाड़ी से धुआं निकलने लग गया। तो मैंने कहा अगर गाड़ी ने एक काम करता पूरी 180 डिग्री घुमा के लाएंगे, और जैसे ही मैं गाड़ी 180 डिग्री घुमा कर लाया, सामने भाई साहब उन सब की फाइट ऐसी चल रही थी, ये देखो मतलब दो स्क्वाड आपस में भिड़ रही थी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पार्टी कर देंगे पूरा फ्लैंक करके। तो भाई जिस बंदे को मैं नॉक करा उसी का टीममेट उस पत्थर के पीछे बैठा था, तो मैंने उसे जल्दी से फिनिश भी कर दिया। अब मुझे डर लग रहा था यार कि आसपास और कोई भी बंदे ना हो, क्योंकि मैं जो एक बंदा है उसे तो बहुत ही इजीली फिनिश कर दूँगा क्योंकि M249 है, और बट राइट वाइट में अगर कोई लेटा हो, कोई किसी पत्थर के पीछे छुपा हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, पूरा नीचे से राइट फ्लैंक कर जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ से आएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा इनको मारना। तो मैंने क्या करा, पूरा फॉल बैक करके लेफ्ट फ्लैंक कर दिया। तो भाई यहाँ पर हमने इसका भी पूरा का पूरा स्क्वाड जो है निपटा दिया। अब इसको निपटाने के बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पर अपना हील कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो जैसे ही लूट रहा था, अभी सामने से किसी बंदे ने फायर कर दिया, मतलब बेमतलब का फायर, उससे गलती थंब प्लेयर का कभी कभार हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत क्या आती है, अब सीधा रश करके इसे भी निपटाएंगे भाई, क्योंकि बेमतलब का फायर कर रहा था भैया, सजा तो मिलेगी। तो भाई दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे पास ओम थी और दोनों ने अपनी मुंडी दिखाई, तो दोनों के पड़ गए एक एक चाटा। अब दोनों को चाटा मारने के बाद मैं सीधा गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी मेरे को एक कोबरा भी दिख जाएगा। अभी एक कोबरा को तो मैंने मार दिया, वो कोबरा का एक और दोस्त था वो भी मुझे सामने की तरफ स्पोर्ट हो गया। तो भाई मैंने जैसे ही कोबरा के दोस्त को मारा, तो मेरे को कोबरा ने तो गोली नहीं मारी, बट पता नहीं किसी और बंदे ने वहीं उसी साइड से किसी ने मारी गोली, और वो अलग टीम का था। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बंदा बचा और वो वही बचा होगा, तो सीधा ऐसे भी पुश करके निपटा देंगे। तो अब यहाँ से गेम प्ले ध्यान से देखना, क्योंकि उसके भी अभी रैप्टे पड़ने वाले हैं।
भाई मुझे समझ नहीं आया कि आखिरी वाला बंदा मेरी इतनी ज्यादा एचपी ले कैसे गया, शायद उसके एमएस हाई होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले वीडियो है जरूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना, एम करते हैं 5500 लाइक के लिए। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।